हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज अपन लोग जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं और इसके न्यू मॉडल का आप लोगों ने जितना ज़्यादा वेट किया है ना, शायद ही आपने आज तक और किसी बाइक के न्यू मॉडल का इतना ज़्यादा वेट किया होगा। आज अपन लोग बात करने वाले हैं होंडा SP125 के न्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि यार आज के टाइम पर इंडियन मार्केट में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो अभी अपनी बाइक्स के BS7 मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं, और अब आपको SP125 का BS7 मॉडल भी मे बी अप्रैल के एंड में, नहीं तो फिर मई के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और SP125 के न्यू मॉडल में आपको OBD सेंसर देखने को मिल जाएगा, एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, और भी काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को SP125 के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, और इसी तरह बाइक की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। SP125 के न्यू मॉडल में आपको मेजर चार बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट अपडेट आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएगा। इसमें अब आपको थोड़ी से बड़े साइज का मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है, जिसमें अब आपको एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और भी कुछ एडवांस फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके न्यू मॉडल में आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड अपडेट आपको इसके फ्रंट लुक में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फ्रंट की साइड में बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का हेडलैम्प, साथ ही साथ LED DRL भी देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण इसका फ्रंट का लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। और रियर के साइड में आपको टेल लाइट की डिज़ाइन भी थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। थर्ड अपडेट के बारे में बात कर लें तो इसमें अब आपको OBD सेंसर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसमें अब आपको BS7 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलने वाला है, जिससे इसका माइलेज वगैरह भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो सकता है। फोर्थ अपडेट के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको दो या फिर तीन न्यू कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और बिल्कुल ही न्यू फ्रेश ग्राफिक्स देखने को मिलने वाली हैं। बाकी पावर फिगर आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएगी, सस्पेंशन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएंगे, गेयरबॉक्स आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएगा। और बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो मान के चलिए कि इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिल जाएंगे और कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।